तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं डायनेमो और स्काउट के बारे में। तो भाई लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, बट ये चीज बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, दोनों एक दूसरे से बात कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्काउट इस चीज के बारे में क्या कहे। हे एवरीवन, लास्ट फ्यू डेज देयर्स बीन अ ह्यूज फाइट बिटवीन मी एंड डायनेमो। वी बोथ डिड मिस्टेक्स ऑन आवर साइड एंड वी हैव डिस्कस्ड इट आउट लास्ट नाइट। वी डू अग्री आवर मिस्टेक्स एंड वी आर रेडी टू चेंज इट, एंड आई वांट ऑल माय व्यूअर्स हु सपोर्टेड मी एंड हु वॉच मी टू गिव मी जस्ट 2 weeks टाइम टू गिव you guys a completely different face of the gaming community. If not, you can blame me on everything. But do support if any emulator player really wants to shift to mobile like Gunshot, Dynamo, Kronten and many more. Don't spam them to play emulators, they really want the change too. It's just that we need to do this together without hating them to be emulators but as entertainers. And yes, I was wrong till last night, but after discussing it out, I have seen the good side too. Let's bring the change by being the change. Basically, वो कहना चाहते हैं कि वो Indian gaming community में एक positive change लाना चाहते हैं, and उन्होंने कहा कि ये 2 हफ्ते में वैसा कर देंगे। ऑल्सो उन्होंने कहा कि वो डायनेमो के साथ पर्सनली बात करके सारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर चुके हैं। सो ये बहुत अच्छा बात है कि ये सब चीज सब कुछ क्लियर हो गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट आज अपने चैनल में एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो अपलोड की है, वी आर गिविंग अवे आवर गोल्डन प्ले बटन। एट फर्स्ट बहुत लोग सोच रहे थे कि ये क्लिकबेट होगा टाइटल, बट आई डोंट थिंक ये क्लिकबेट है क्योंकि अपने वीडियो में वो ये कहे डबल गिफ्ट। तूफानी आइडियाज होते हैं, तूफानी आइडियाज है मेरे। उसमें से 10 लोग तो मेरे साथ जुड़ेंगे हमेशा के लिए, बट उसमें से एक ऐसा सुपर विनर होगा या एक ऐसा सुपर फैन होगा जिसको कि आई विल गिफ्ट माय प्ले बटन। तो 10 लोग होंगे जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, जो आपको आपको वो देखोगे तो आपको लगेगा वाह यार, मतलब ये आज तक हुआ ही नहीं है ना यूट्यूब इंडिया में ना यूट्यूब दुनिया में, कहीं पे भी हुआ ही नहीं है। हाँ, तो वो कुछ ऐसा करेंगे, उसमें से एक आदमी को जो सुपर फैन होगा उसको हम एक गोल्ड प्ले बटन उसके घर पे हम भिजवाएंगे। तो भाई दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक, लेट्स सी कौन होता है वो लकी विनर। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं तन्मय भट्ट के बारे में। तो तन्मय भट्ट अपने इंस्टाग्राम में बहुत दिनों बाद एक पोस्ट किए जिसमें वो खुल के बात किए अबाउट इस सिचुएशन। ये करीब 3-4 मिनट का पोस्ट था, ऑफकोर्स मैं पूरा प्ले करके नहीं दिखा सकता। इस वीडियो में वो अपने डिप्रेशन के बारे में एक्सप्रेस किए कि उनको कितना बुरा लगा था, जिस कंपनी के लिए वो इतना मेहनत किए थे वो अचानक से चल गया, एंड वो अभी तक पूरी तरह से उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाए अपने लाइफ में। सो उस पोस्ट में वो क्या कहे छोटा सा पार्ट में आपको प्ले करके दिखा देता हूं। I am still clueless about any answers to questions that you guys have about when I'll be back or doing what, and I don't know. I'm still feeling extremely paralyzed about even putting this video out, because in my head I'm like, nobody wants to work with a fucking depressed comedian, that's an oxymoron, but I think at some point I just gotta get up and start fixing this stuff, and I think I owed you guys a thank you. इस पोस्ट में उनको बहुत सारे यूट्यूबर, स्टैंड अप कॉमेडियन, सेलिब्रिटीज कमेंट करके सपोर्ट किए हैं, एंड आई ऑल्सो रियली होप कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बियर बाइसेप्स के बारे में। दिस इज नॉट रियली अ न्यूज, बट मैं इस चीज को मेंशन करना चाहता था अपने वीडियो में। बियर बाइसेप्स रिसेंटली अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए, यूट्यूब इंडियाज डार्क साइड मॉन्क ई चैट पॉडकास्ट एपिसोड 1 फीचरिंग रोहित राज। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, आप ये क्लिप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। So right. There's a lot of people, you know, whose names I have in mind, but they're not like kind of coming to my right. tongue yet. But man, I see a bunch of people. Yeah. These are people. I see this guy Neon Man becoming like the Aajtak of becoming the Arnab Goswami. Oh fuck yes. Neon Man. Neon Man's another like cute story. Like I see that kid and I'm like, okay, this is the third gen of YouTube. तो भाई यही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, एंड तीनों को मैं थैंक यू बोलना चाहता था। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए अब एक गेमिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पबजी पीसी लाइट के बारे में। जी हाँ, अनाउंसमेंट हो चुका है कि पबजी पीसी लाइट कब आने वाला है इंडिया में, एंड द डेट इज July 4th 2019। जी हाँ, July 4th को लॉन्च हो जाएगा। सो जो लोग वेट कर रहे थे पबजी पीसी लाइट का, बस अब ऑलमोस्ट आ चुका है वो डे, तो वेट करो एंड उसके बाद आराम से खेलना। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BNF TV ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स। देन कुक विद लुबना ने कंप्लीट कर चुकी है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन आशीष चंचलानी ने कंप्लीट कर चुके हैं 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन एड शेरन ने कंप्लीट कर चुके हैं 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली OS को मिल चुका है अपना सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लोगन पॉल के बारे में। कल लोगन पॉल अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए, डियर यूट्यूब हु वॉन्ट्स $100,000। इस वीडियो में वो अनाउंस किए एक चैरिटी इवेंट का, बेसिकली काइंड ऑफ एक एथलेटिक इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे
स्पोर्टिंग इवेंट्स होंगे एंड इस इवेंट्स में कोई भी यूट्यूबर्स वगैरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड जो भी इवेंट्स जीतेंगे वो पैसा अपने चैरिटी को डोनेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आके कम्पीट करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ये होने वाला है July 27th को, लेट्स सी ये इवेंट कैसा होता है। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर तो आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक के बिना कहीं मत जाना यार। आज का लाइक हम रखते हैं 28,500 लाइक्स, आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना यार। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तक तो भाई जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोग के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूं पूरे YouTube कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज सबमिट करना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो बाय।